अरे इधर 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 राइट ऑसवर्ल्ड देखता है नहीं है सब। जिस दिन मुझे फटी हुई बुक आई थी उसी दिन मैंने रिटर्न डाल दिया था और आज जाके सुबह को मुझे वापस एक नई बुक मिली है। जी सर एक ही है सर, एक्सचेंज है, दोनों कस्टमर एक ही है सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यार मुझे जाना है नौलखा, वो इसलिए क्योंकि मतलब वहाँ पे जो सेंट्स थे जो वहाँ पे मेडिटेट करते थे उनकी तस्वीर मुझे बड़ी याद आ रही है कि मैं एक डेढ़ साल पहले जब कोविड नहीं आया था तब गया था, वहाँ पे हर शाम में जाता था। राधा वहाँ का मंदिर है, वहाँ पे भी बैठता था, बहुत ही शांति था, कोई ज़्यादा आदमी आता नहीं था, शाम में आरती होती थी, बहुत ज़्यादा शांति था, बहुत अच्छा था। तो 1.5 साल हो गया हुआ तब से मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ और मैं हर बार रात को जाता हूँ तो बंद रहती है। इस बार कोशिश करता हूँ कि शायद सुबह जाता हूँ, देखता हूँ कि शायद खुली। देखता हूँ वहाँ पे कैसा है, अगर खुल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। तो अच्छी बात ये होगी कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। इधर से ही निकाल देता हूँ। मंदिर भी शायद ओपन होने वाला है, बाबा मंदिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5-6 दिन में शायद ओपन हो जाए। अगर मंदिर ओपन होने वाला है तो नौलखा वाला मंदिर तो ओपन होना ही चाहिए और बाकी सारे मंदिर ओपन है तो ये क्यों नहीं। मे बी विजिटर्स के कारण शायद विजिटर्स ज़्यादा आ जाते होंगे तो प्रॉब्लम होता होगा, इसीलिए बंद करके रखा होगा। अरे इधर 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 राइट ऑसवर्ल्ड देखता है नहीं है सब बच्चा सब, गाड़ी बस इधर देख ली निकल लिया। जब मैं मोटो वॉक करता हूँ एक ऐसा अनाड़ी जरूर मिल जाता है मुझे। इधर इधर दादी, इधर दादी ज़्यादा इंटेलिजेंट। अभी ये बाइक चल चुकी है 7:35 यानी कि इसका सर्विसिंग का टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है। 571 में मैंने इसमें फ्यूल भरवाया था और तब ऑलमोस्ट डन थी ये बाइक, यानी कि अभी कितना चल चुका है 164 चल चुकी है और पेट्रोल अभी आधा से भी कम खत्म हुआ है, यानी कि अच्छा है। शायद ये 850 से 900 तक चल जाएगी, तो यानी कि एवरेज लगाया जाए तो 8 लीटर के आसपास भरा गया था, यानी कि 40 किलोमीटर पर लीटर ये दे रही है माइलेज, विच इज़ गुड। 40 किलोमीटर इज़ नॉट बैड। सर ये ट्रैफिक में चलाने में बाइक में मज़ा ही नहीं आता है। प्रेम भाई फिर से कोलकाता जा चुके हैं। मैंने उसको बोला था कि यार चलो त्रिकुटी पहाड़ पर रक्षाबंधन मनाने के ठीक एक दिन बाद निकल लिया। अरे भाई साहब का स्टैंड भैया, अरे इसको सुनाई तो ऐसे देगा नहीं, हेलमेट के अंदर ओवरटेक करके बोलता स्टैंड स्टैंड। प्रेम भाई भी निकल चुके हैं कोलकाता, इसका मतलब कि ट्रैकिंग किया नहीं जा पाएगा, किसी और के साथ देखते हैं, शायद ट्रैक करने में मजा आए। एक बार तो करना है, बहुत दिन पहले किया था करनी बाग में जब स्कूल हुआ करता था सेंट जेवियर्स, तो इधर आता था बस से। तो जब तक है जान के शाहरुख खान कौन है ये, अच्छा ठीक है। मूवी मैंने थिएटर में देखने गया था, सब कुछ सो गया था लेकिन मुझे तो अच्छी लगी थी मूवी। कहाँ पे था ना लखा, शायद आगे और भी आगे। अच्छा दीदी घर आने वाली है, शायद दीदी घर आ जाए सुबह सुबह कोई 10 साढ़े 10 बजे। शायद उसको कल लाने जाना पड़ेगा, मतलब अपना काम बस यही सब है, दीदी को लाने जाओ और 10 बजे से 3 बजे तक जो टाइम मिलता है बस उसमें इधर से उधर उधर से इधर कर लो। नहीं तो ठीक है, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, तो मज़ा आ रहा है। बात तो है नौलखा किधर है? नौलखा शायद उसको इसीलिए बोलते हैं ना, बचपन में सुना देते कि 9 लाख का मंदिर है और तभी 9 लाख में बना हुआ, यानी कि रेल एक्सपेंसिव। अरे यही तो रहा, यही रहा। मैं आगे आ गया, घुमाना पड़ेगा भाई। पर बंद दिख रही है यार, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? हाँ अरे यार बंद नहीं, बंद नहीं। अरे यार कब क्यों? इको पार्क से लेके सब कुछ बंद है भैया। ये बंद है क्या? मैं खुलेगा नहीं, बंद। ये लो खड्डे, पहला काम नौलखा देखने आया था, सोचा था यहीं पे बिता दूंगा पूरा टाइम। नौलखा बंद, क्या करोगे करो। नेक्स्ट त्योहार क्या आने वाला है? रक्षाबंधन खत्म होने के बाद शायद दुर्गा ही पूजा आता है ना, 14th के आसपास होगा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का माहौल बड़ा अच्छा होता है। सुबह सुबह उठो, घर पे ब्राह्मण लोग सब कोई आ जाता है, खाना वाना खाने अच्छे से खाओ वाओ दही वही। दुर्गा पूजा में मजा आएगा फॉर श्योर। अब क्या करूँ, अब घर चले जाऊँ क्या? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अरे यार इधर से ही चलते। अच्छा धूप नहीं है, नहीं तो और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। दो चार दिनों से बारिश वारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, इट इज़ गुड। कितना कुछ बदल गया है। मतलब बचपन में जब इधर आता था एक घर ही नहीं होता था, मुश्किल से एक घर। बस यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक दुकान होता था, चॉकलेट वगैरह खरीदते थे बस। और अब देखो घर ही घर। क्विंटेसेंशियल पार्ट है देवघर का वो है यहाँ के छोटे मोटे ऐसे ऐसे घर। अगर यहाँ भी बिल्डिंग विल्डिंग ऐसे बन जाए तो फिर देवघर में वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन 5 किलोमीटर बस बर्बाद। थोड़ा सूना सूना शांत शांत लग रहा है आजकल अपना मोहल्ला, पता नहीं क्यों यार। हेलमेट से बहुत सर दर्द करता है यार। हट पता नहीं लॉन्ग, आराम से आराम से, पता नहीं लॉन्ग राइड में कैसे पहनने। एक सेकंड है सर। गजब गजब रोड सब है। स्विमिंग भी नहीं कर सकते, नहीं तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लेकिन पानी साफ नहीं है। अभी तो रिलेटिवली बहुत साफ हुआ है। हेलमेट के लिए व्यवस्था मैंने कर ली है, थोड़ी दिन में वो आ जाएगा, तब जाके फ़ोन को अलग जगह पे माउंट कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। हट, अरे यार हट जाइए प्लीज़ प्लीज़, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, थैंक यू। आप भी थैंक यू। कोई काम नहीं बना। हट, बारिश हो जाती है ना तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन कुछ बचता नहीं। जिनके पास कार होता है वो कार के अंदर में बैठ के कुछ ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कार है नहीं तो। और बाहर में जाओगे कहाँ, एक लेक जाओगे तो पानी अगर गया तो खेल खत्म। घर पे तो सारे लोकेशन से मैंने व्लॉग कर चुका हूँ। ऐसा कोई लोकेशन नहीं होगा जहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं किया होगा। घर पे तो घर पे पूरा व्लॉग घर पे ही बनाने में अजीब लगता है। अगर घर पे को सिर्फ मैं ही हूँ, अगर कोई बात करने वाला ना हो तो। इसीलिए आज मैंने समय देख के अच्छे से चला गया। मैं भले ही बंद था पर चला गया, बाहर में थोड़ा सा शूट कर लिया तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिली। अभी बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं जा नहीं सकते हैं, बंद हो चुके हैं। मैं भी चलता हूँ, काम करता हूँ। आप भी करो। तो अपॉइंटमेंट आज हाथ लगी है पर कोई बात नहीं। टेक एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू गुड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। do take good care, so make your dreams come true, Bob.